राधे राधे मित्रों, आप सभी को पंडिताइन छवि शर्मा का हार्दिक अभिनंदन। क्या है खास वास्तुशास्त्र में नैऋत्य यानी साउथ वेस्ट जोन से संबंधित? नैऋत्य कोण के बड़े होने से असहनीय पीड़ा व अन्य गंभीर परेशानियां पैदा होती हैं और यदि यह खुला रह जाए तो अलग अलग प्रकार की समस्याएं घर कर जाती हैं। इसलिए इस स्थान का किसी भी परिस्थिति में खुला या बड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। गलती से भी इस कोने में कोई बोरिंग या गड्ढा नहीं होना चाहिए। इस स्थान का हमेशा ऊंचा और भारी होना बहुत आवश्यक है। यह स्थान घर के वरिष्ठ व्यक्ति या हेड ऑफ द फैमिली का स्थान होता है। इस स्थान में दोष होना पितृदोष का सूचक है और घर पर प्रेत बाधाओं व बुरी शक्तियों को भी आमंत्रित करता है। यदि नैऋत्य में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो उसे किसी वास्तु सलाहकार की मदद से दूर करें। तुरंत उपाय के लिए वास्तु दोष निवारण यंत्र और राहु यंत्र की विधि पूर्वक पूरी श्रद्धा से प्राण प्रतिष्ठा कर अपने मंदिर में विधि पूर्वक स्थापना करें। कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर पूरी श्रद्धा से अपने पूर्वजों के लिए तर्पण करें। राहु केतु के मंत्रों का जप स्वयं करें अथवा किसी योग्य ब्राह्मण से कराएं और इनसे संबंधित दान किसी दरिद्र नारायण को नियमित करें तो निश्चित लाभ होगा। पूरे कुटुंब के साथ महादेव शिव का रुद्राभिषेक करें तथा अपने सामर्थ्य के अनुसार महादेव को कांसे, चांदी या सोने से बना हुआ नाग नागिन का जोड़ा अर्पित कर उसे नैऋत्य दिशा में स्थापित करें। नैऋत्य दिशा में भारी भारी सामान रखें। घर के बाहर अगर ये दिशा खुली है तो यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पेड़ लगाएं। इसके अलावा घर के अंदर भी साउथ वेस्ट जोन में कंक्रीट के गमलों में भारी और बड़े पेड़ पौधे लगाएं। साउथ की दक्षिणी दीवार पर अपने पितरों के चित्र लगाएं। इन सभी उपायों से आपके साउथ वेस्ट जोन का वास्तु सुधर जाएगा। खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमसे जुड़े रहें। कुछ नई टिप्स के साथ आपकी पंडिताइन छवि शर्मा कल फिर उपस्थित होगी। तब तक आज के आनंद की जाए।